मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सवाल तो आपके पार्टी के मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पूछा था, सवाल तो मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी पूछे, सवाल तो अधिकारियों ने भी पूछे, सवाल तो विपक्ष ने विधानसभा में भी पूछे, मगर हमें याद नहीं है कि भूपेश बघेल आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। छत्तीसगढ़ आग में जल रहा है, आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, जिनके घर में नल नहीं है उनको पानी नहीं मिल रहा है, गौठानों में गाय मर रही है, मुख्यमंत्री जवाब दें, आखिर इन प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें ब्रजमोहन अग्रवाल की सीख और सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हम 2 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता का आशीर्वाद 2023 में फिर से हमें मिलेगा। भूपेश बघेल जी, सवाल तो टीएस सिंहदेव ने भी पूछे हैं, सवाल तो आपके मंत्री जयसिंह ने भी पूछे हैं, सवाल तो सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के बारे में भी पूछे थे, सवाल तो हम विधानसभा में भी पूछते हैं, पर हमें याद नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। आज छत्तीसगढ़ आग में जल रहा है। सीएम को क्या करना है क्या नहीं करना है वो माननीय ब्रिजमोहन जी से उसमें ना सीख लेने की ज़रूरत है ना उनकी सलाह की ज़रूरत है। 2.25 करोड़ जनता की सेवा हमारा लक्ष्य है और हम उस काम में लगे हुए हैं। किसानों का कर्जा माफ़ी, किसानों का धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन खेतियर न्याय योजना, वनोपज की खरीदी, उसका विपणन, सभी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है।